हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम ए फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए केयरिंग वुमेन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे विक्टोरिया हिल्स प्लॉट्स बाय ग्रीन सिटी इंडिया एट सिंगडोल करजत मुंबई। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, विक्टोरिया हिल्स ये प्लॉटिंग एरिया प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट 16 एकड़ लैंड पार्सल में ऑलरेडी बन चुका है, रेडी टू ऑक्यूपाई है। और यहाँ पर डेवलपर ने 170 प्लॉट लॉन्च किया है। और प्रोजेक्ट का लैंडस्केप आप देखेंगे, थोड़ा सा हिली एरिया है और वैसे भी करजत लोकेशन वो थोड़ा सा हिली एरिया है और आसपास में काफ़ी ग्रीनरी एरिया है। और डेवलपर ने काफ़ी अच्छी तरह इसको डेवलप किया है। दोनों तरफ आप देखेंगे ग्रीन्स है और हाईवे से इस प्रोजेक्ट तक जो रोड आप देख रहे हैं, इसी तरीके का रोड आपको डेवलप किया हुआ मिलेगा इस प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए। उसके बाद सामने की तरफ दोस्तों आप देखेंगे मेन गेट है विद सिक्योरिटी कैबिन और ये एक्चुअल लोकेशन का शॉट है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 2500 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दिया गया है विद प्योरली वाइट कलर। और इसके सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स है और बाहर की तरफ काफ़ी बड़ा सा लॉन दिया गया है। और क्लब हाउस के अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक एकड़ का जो स्पेस है वो प्योरली एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है और एक एकड़ का जो स्पेस होगा वो प्योरली ओपन स्पेस होगा। तो दोस्तों, करजत इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट और यहाँ पर बेसिकली मैक्सिमम आप ग्रीन स्पेस आपके सराउंडिंग एरियाज़ में देखेंगे। कुछ पिकनिक स्पॉट्स भी है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसके आसपास में बिल्कुल डेंसली पॉपुलेटेड ग्रीन एरिया है और यहाँ का वेदर भी जो है वो एक्सट्रीमली चिल्ड है। बरसात के दिनों में स्पेशली लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। और ये जो विलाज है विक्टोरिया हिल्स में, इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप सेकेंड होम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और फर्स्ट होम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, ये लोकेशन करजत सिंगडोल ये मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंबई पुणे NH 47 हाईवे से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और नेरेल स्टेशन से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर दोस्तों, करजत में आपको ज़्यादातर फिल्म सेलिब्रिटीज़ के बहुत बड़े फार्म हाउस आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और जो लोग बिल्कुल शांत वातावरण चाहते हैं, सिटी लाइफ से थोड़ा बोर हो चुके हैं, भीड़ भाड़ से बोर हो चुके हैं, मोबाइल स्विच ऑफ रखना चाहते हैं थोड़े दिनों तक, तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। जहाँ पर आप जाकर बिल्कुल आप रिलैक्स हो सकते हो और आप नेचर के बिल्कुल बीच में रहते हो। और बरसात के दिनों में यहाँ पर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीमली चिल्ड रहता है और आसपास के यहाँ पर जितने भी रिवर्स है वो फ्लोइंग रिवर्स है और प्लस आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में वाटरफॉल है, बहुत सारे वाटरफॉल्स है। तो अगर आप वाटरफॉल्स का भी मज़ा लेना चाहते हो बरसात के दिनों में, तो आप यहां पर आप जा सकते हो। सेकेंडली, ये जो लोकेशन है ये इको सेंसिटिव जोन में आता है। तो यहां पर कभी भी हाई राइज बिल्डिंग या टाउनशिप प्लानिंग कभी भी इस एरिया में नहीं आएगा। तो इस लोकेशन को एज इट इज़ वेर इट इज़ वैसे ही रखा गया है, जहां पर आप सिटी के नज़दीक आप नेचुरल ब्यूटी का मज़ा आप ले सकते हो। और इसके अलावा इसके साथ साथ में इसके सराउंडिंग एरियाज़ में, जो कि 25-30 किलोमीटर के सराउंडिंग एरियाज़ में आप देखेंगे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ में डेवलप्ड हो रहा है। तो सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के कारण आपको उसका बेनिफिट यहाँ तक भी देखने मिलता है और यहाँ पर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन का चांस है। उसके अलावा यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है। एक स्क्वायर किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 400 लोगों का पॉपुलेशन है, तो काफ़ी लो डेंसिटी पॉपुलेशन है, जिसके वजह से अगेन सेकेंड होम का या ऐसे प्लॉटिंग एरियाज़ का प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन का चांस है। इसके अलावा जो डिस्टेंस में मैंने बताया जो डेवलपमेंट होता है, जैसे ट्रांस हार्बर लिंक बन रहा है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और जियो यूनिवर्सिटी आ रहा है सराउंडिंग एरियाज़ में, तो उस वजह से भी यहाँ पर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन का चांस होता है। और NH 47 मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जब आप इस लोकेशन तक आते हो, इस प्लॉट तक जब आप आते हो, तो जो रोड्स है इस यहाँ तक आने के लिए बहुत ही क्लीन रोड है और डेवलप्ड रोड है, तो
तो आप इजली बाय कार आप यहाँ पर इस लोकेशन तक आप पहुँच सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो नज़दीक का जो टूरिस्ट स्पॉट है वो सोनलपाड़ा डैम है, कोथलीगढ़ फोर्ट, भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ रिजर्व, पोंडवा केव्स एंड एनडी फिल्म स्टूडियो। तो यहाँ पर दोस्तों जो लोग पिकनिक के लिए भी आते हैं तो एक बार ये साइट ज़रूर विज़िट करते हैं, क्योंकि ये साइट बिल्कुल जो नेचर से कनेक्टेड है, नेचर के जो नज़दीक है, वो आपको सिटी में कभी भी देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे और एक इमेज है क्लब हाउस का, जो कि एक्चुअल लोकेशन पे शॉट किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस लोकेशन तक पहुँचने तक आपको बहुत ही प्रॉपर रोड मिलता है, डेवलप किया हुआ रोड मिलता है। आप बिल्कुल ग्रीनरी से होते हुए हिल्स को क्रॉस करते हुए आप इस विक्टोरिया हिल्स तक पहुँचते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको करजत में बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ और ऐसे फार्म हाउस भी देखने मिलेंगे जो कि फ्रूट्स गिविंग ट्रीज़ है, स्पेशली मैंगोज ट्रीज़ आपको ज़्यादातर यहाँ पर देखने मिलेंगे। आप ऑर्गेनिक मैंगोज़ यहाँ पर आप नज़दीक के कोई भी फार्म हाउस से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे और एक क्लब हाउस का इमेज है जो कि एक्चुअल शॉर्ट लोकेशन पर लिया गया है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया 1 एकर का ओपन स्पेस रखा गया है, 1 एकर प्योरली एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है और उसको नेचुरल रखा गया है। तो यहाँ पर आप जब चाहे आप जाकर मेडिटेशन आप कर सकते हो, और ऐसे जगह पर मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया होता है जहाँ पर शोरगुल नहीं होता है, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो ऐसे जगह पर मेडिटेशन बहुत प्रॉपर होता है, आप बिल्कुल अपने माइंड बॉडी और सोल के साथ में रहते हो। और वैसे भी साइंस के हिसाब से 1-2 महीने के बाद आपको वीकेंड छुट्टी 2 दिन का या 3 दिन का लेना चाहिए, बिकॉज जब आप वेकेशन से आते हो तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो लोग पेंटिंग का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपको नेचुरल ग्रीन्स, नेचुरल हिल्स और ऐसे बहुत सारे आपको सराउंडिंग एरियाज़ में नेचुरल ब्यूटी आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऐसे एमिनिटीज़ दिए हुए हैं जहाँ पर बचपन में कभी आप झूले पर बैठे होंगे, खुला मैदान होगा, आसपास में खुली झाड़ियाँ होगी और ठंडी हवा बहती होगी। ऐसे लीगसीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू किया है जहाँ पर आप एंडलेस इन्जॉयमेंट आप यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये भी लोकेशन का ही शॉट लिया गया है, और इसके सराउंडिंग एरियाज़ में आप देखेंगे बिल्कुल ओपन स्पेस है और आप बिल्कुल नेचर के बीच में आते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको 1 का FSI मिलता है, तो 1 के FSI में आप ग्राउंड प्लस 1 का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। और जैसे आप इमेज में आप देख रहे हो इसी तरीके का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, जिसमें आपको छोटा सा एक स्विमिंग पूल भी मिलता है अंदर की तरफ, कार पार्किंग के लिए भी स्पेस मिल जाता है। अगर आप अपने कंपाउंड वॉल में प्लांटेशन करना चाहते हो तो आप प्लांटेशन भी कर सकते हो। तो आपको अगर इस तरीके का अगर बंगलो बनाना है तो आपको डेवलपर ही आर्किटेक्ट प्रोवाइड करके देगा, आप उनसे कॉस्ट टू कॉस्ट में कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये मास्टर लेआउट है और इसका टोटल लैंड पार्सल 16 एकर का लैंड पार्सल है, जहाँ पर डेवलपर ने यहाँ पर 1 एकर स्पेस प्योरली ओपन रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे 1 एकर का प्योरली ओपन स्पेस मिलता है आपको, और ये 1 एकर का जो स्पेस है ये प्योरली एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है, जहाँ पर आपका क्लब हाउस भी आता है और प्लस दूसरे एमिनिटीज़ भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्लॉट का साइज़ जो शुरू होता है वो 1600 से शुरू होता है और इट गोज़ अप टू 4000 स्क्वायर फीट, और इसका जो प्राइस शुरू होता है वो 19 लाख से शुरू होता है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट, और इट गोज़ अप टू 34 लाख प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। सेकेंडली इट इज़ रेडी टू ऑक्यूपाई, डेवलपर की तरफ से मेन गेट, सिक्योरिटी, रोड्स, लाइट्स, वाटर, क्लब हाउस, एमिनिटीज एरिया, ये सारा कुछ रेडी हो चुका है। तो आपको सिर्फ पेमेंट करना है और प्लॉट का पोजिशन लेना है। सेकेंडली इस प्लॉट में आपको 7 फीट हाइटेड फेंसिंग डेवलपर अपने तरफ से करके देगा, जिसमें डबल वॉल और चेन लिंक फेंसिंग दिया गया है।
तो ये सारी सुविधा दोस्तों आपको विक्टोरिया हिल्स में मिलती है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी का दोस्तों आपको बेनिफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि प्लॉट्स का मार्केटिंग अभी काफ़ी जोरों शोरों में चल रहा है। आप जगह जगह पर आप देखेंगे डेवलपर प्लॉट्स बनाकर बेच रहे हैं, तो प्लॉट्स का काफ़ी बूमिंग मार्केट है। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।